चंद्रयान 2 के लिए एक बार फिर से आई बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 2 को लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही है। क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा की तरफ से जारी बयान के बाद एक बार फिर से विक्रम लैंडर की स्थिति को लेकर नई जानकारी सामने आने वाली है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने विक्रम की स्थिति के बारे में जानकारी देने की उम्मीद जताई है, क्योंकि नासा का लूनर ऑर्बिटर LRO उसी स्थान के ऊपर से गुजरेगा जिस स्थान पर भारतीय लैंडर विक्रम के गिरने की संभावना जताई गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा बहुत जल्द भारतीय मून लैंडर विक्रम की स्थिति की जानकारी देगा। आपको बता दे कि इससे पहले नासा का LRO ऑर्बिटर 17 सितंबर को विक्रम की लैंडिंग साइट से गुजरा था और उस समय चांद पर रात होने के कारण LRO द्वारा ली गई तस्वीरें धुंधली आई थी। लेकिन दोस्तों, अब एक बार फिर से नासा का LRO अक्टूबर में चांद पर विक्रम की लैंडिंग साइट से गुजरेगा। ऐसे में दोस्तों, अब चांद पर दिन का समय चल रहा है और जिससे LRO विक्रम की साफ और स्पष्ट तस्वीर ले सकेगा। और दोस्तों, नासा जैसे ही विक्रम की तस्वीरों को जारी करेगा तो हमें विक्रम की स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। ऐसे में दोस्तों, नासा से यही उम्मीद जताई जा रही है कि नासा कोई अच्छी खबर लेकर ही सामने आए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इसी प्रोसेस के जरिए हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। मैं मिलूंगा आपसे हमारे चैनल के अगले वीडियोस में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।